सभी का जया की जायके राज थाली में बहुत बहुत स्वागत है। अगस्त का महीना आ चुका है और साथ ही त्योहारों का भी आगाज हो चुका है, तो अब मेरी थाली का जायका भी त्योहारों के अकॉर्डिंग ही होगा। आज हम बनाएंगे एक ऐसी रेसिपी जिसे बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन ये त्योहारों के आनंद को दोगुना कर देगी। यानी कि हम बनाएंगे हलवाई जैसी मोहनथाल मिठाई। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे आपको मेरी सभी रेसिपीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम मोहन थाल बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम बेसन लिया है और 300 ग्राम ही देशी घी लिया है। आप कोई भी घी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैंने लगभग 1.5 कप चीनी ली है, कटे हुए कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, पिसी हुई इलायची ली है, सैफ्रॉन लिया है और 1/4 कप मिल्क लिया है। तो अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मोहन थाल बनाने की पहली टिप्स है कि बेसन को दानेदार होना चाहिए। बेसन को दानेदार बनाने के लिए हम बेसन में लगभग 3 बड़े चम्मच देशी घी ऐड करेंगे। इस घी को हमें बेसन में खूब अच्छे से मिक्स करना है। बाकी घी हम बेसन को भूनने में यूज करेंगे। घी को हम बेसन में जितनी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, हमारा मोहन थाल उतना ही अच्छा और दानेदार बनेगा। अब बेसन घी में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम 1/4 कप मिल्क लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा करके बेसन में ऐड करेंगे। एक साथ हम पूरा मिल्क नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसे दानेदार बनाना है। देखिए, हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके मिल्क इसमें ऐड कर देंगे। हम हाथों से बेसन को तब तक मैश करेंगे जब तक इसका लड्डू जैसा ना बनने लग जाए। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका लड्डू जैसा बनने लगा है, तो हमारा ये बेसन अब रेडी है। आप सीधे भी बेसन को भून सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस को करने से मोहन थाल दानेदार और टेस्टी बनता है। अब हम गैस पर लो फ्लेम पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाने पे बचा हुआ घी उसमें ऐड कर देंगे। अब ये घी गर्म हो गया है, तो मिक्स किए हुए बेसन को मैं इस घी में ऐड कर रही हूँ। अब इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे भूनना है। फ्लेम को हमें लो ही रखना है। जैसे जैसे बेसन भूनता जाएगा, ये घी छोड़ता जाएगा और बेसन का कलर भी चेंज होता जाएगा। अब देखिए, इसे भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं, तो बेसन का कलर भी चेंज हो गया है। हमें इसे अच्छे से भूनना है, तभी मोहन थाल अच्छा बनेगा। हमें इसे धीमी आंच पे लगभग 10 से 12 मिनट भूनना है। यदि कच्चा रह जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, इसलिए हमें इसे धीमी आंच पे बराबर चलाते हुए भूनना है। और बेसन भून जाने की पहचान यही है कि ये घी छोड़ने लगता है। तो आप देख सकते हैं, अब ये बेसन घी छोड़ने लगा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल तैयार है। तो हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने फ्लेम पर एक कढ़ाई रख रखी है और अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। मैं लगभग 1.5 कप वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। और 1.5 कप ही मैं शुगर भी इसमें ऐड करूंगी। ये चीनी लगभग 200 ग्राम है। अब मैं इसे चलाते हुए इसकी चाशनी तैयार करूंगी।
अब चाशनी में उबाल आ चुका है तो मैं इसमें केसर के धागे ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें पिसी इलायची ऐड कर रही हूँ। पिसी इलायची से किसी भी स्वीट्स का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है। नेक्स्ट मैं इसमें केवड़ा ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा केवड़ा वाटर। अब इन सारी चीजों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इन सारी चीजों को चाशनी में ऐड करने से मोहनथाल का फ्लेवर बहुत अच्छा सा आता है और टेस्ट में भी वृद्धि हो जाती है। अब ये चाशनी बिल्कुल रेडी है तो मैं इसे फ्लेम से उतार लूंगी और इसे बेसन में ऐड करना शुरू कर लूंगी। अब मैं भुने हुए बेसन में लगभग 100 ग्राम मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। हम मिल्क पाउडर की जगह पे दूध या मावा भी ऐड कर सकते हैं। इसे हमें बेसन में खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। बचा हुआ दूध भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसे पकाना नहीं है, हमें इसे केवल बेसन में मिक्स करना है। अब ये मिल्क पाउडर बेसन में मिक्स हो गया है। मावा को भी हम इसी तरह से मिक्स करते हैं और अब हम इसके बाद चाशनी को थोड़ा थोड़ा करके इस मिक्सचर में ऐड करेंगे। हम इसे थोड़ा थोड़ा करके ही बेसन में ऐड करेंगे, एक साथ पूरा ऐड नहीं करेंगे, 2 से 3 बार में, और इसे मिक्स करते जाएंगे, चलाते जाएंगे। इससे मोहनथाल दानेदार बनेगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने सारी चाशनी इसमें ऐड कर दी है और हम इसे लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकाएंगे। हमें इसे इतना पकाना है कि ये एक साथ मिक्स हो जाए। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो सूख कर कड़ा हो जाएगा मिक्सचर और जम नहीं पाएगा। आप देख सकते हैं कि ये मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है तो मैं इसे बर्फी की ट्रे में ट्रांसफर कर लूँगी और ठंडा करके इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दूंगी। फ्रेंड्स, कि ये बिल्कुल रेडी है, मैंने इसे ट्रे में ट्रांसफर कर लिया है और अब मैं इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश करूंगी। और इसे सेट होने के लिए रखूंगी। आप देख सकते हैं कि ये मोहनथाल कितना दानेदार बना है। मावा आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मावा डालने से टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप उसकी जगह पे फुल क्रीम मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने मिल्क पाउडर यूज़ किया है। आप घी की मात्रा भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आप मोहनथाल बर्फी बनाना चाहते हैं तो चाशनी में पानी की मात्रा कम करके चीनी की मात्रा बढ़ा लें। तो फ्रेंड्स, ये हलवाई जैसा दानेदार मोहनथाल बिल्कुल रेडी है। आप भी इसे इस रक्षाबंधन पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। और साथ ही लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।